तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से आप हनी पाजी के साथ फोटो एडिटिंग कर सकते हो जो अपने मोबाइल से बहुत ही प्रोफेशनल और रियलिस्टिक लगने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसको एडिट किया है जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। जो जैसे कि आप देख सकते जानते हो कि नया नया जो गाना रिलीज हुआ है इनका बहुत ट्रेंड में चलने वाला है और बहुत ही मस्त लग रहा है गाना। वैसे में भी हनी पाजी ट्रेंड में चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप पोस्ट करोगे जब इनके साथ तो कोई भी देखेगा तो बहुत ही दोस्त भाई शौक हो जाने वाला है इस फोटो को देखने के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह से आप इसको अपने फोन से एडिट कर सकते हो। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पिक्सा प्रो एप्लीकेशन, जिस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना पिक्सा प्रो ऐप तो मिल जाएगा, या फिर मैंने पिन किया हुआ है आप से भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पिक्सा प्रो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर गेट या पिक्चर पर क्लिक कर देना है और इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना और अपने बैकग्राउंड को ऐड करना। ये है मेरा बैकग्राउंड, इसको यहाँ पर मैक्सिमम पर क्लिक कर देना। यह हो गया मेरा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या ऊपर आई बटन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट आइकन पर क्लिक कर देना और इंसर्ट पिक्चर्स पर क्लिक कर देना है और अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना और इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना। फिलहाल तो मेरा फोटो सेट ही है, ठीक है। तो आप छोटा या बड़ा देख सकते हो, अपने फोटो को सेट कर देना। सेट करने के बाद राइट कर देना। राइट करने के बाद इरेज वाला आइकन पे क्लिक करके आपको छोटा सा ये मतलब साइज अपने हिसाब से रखने के बाद इसको बड़ा करना और ये जो फिंगर के साइज है इसको यहाँ से इतना ही इरेज कर देना। इरेज करने के बाद पेंट वाला आइकन पे क्लिक करके साइज अपने हिसाब से रख करके और इसको यहाँ पर पेंट कर देना, ठीक है। तो मतलब फिंगर को ऊपर करना है कुछ इस तरह से पेंट कर देना। मैं फटाफट कर लेता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं फोटो एडिटिंग का पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप मुझे चाहते हो कि प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करवाना मुझसे, तो आप मुझको डीएम करना, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं आपको अच्छी प्राइस में फोटो एडिटिंग करके दे दूँगा, ठीक है। तो फटाफट डीएम करो। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना कि हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने फेस को, अगर तुम्हारा फेस मेरा फेस तो फिलहाल मैच है, फेस टू फेस मैच है। अगर तुम्हारा फेस टू फेस मैच नहीं है तो उसको मैच करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, इफेक्ट पे जाना और यहाँ पे एडजस्ट आरजीबी पे क्लिक कर देना, ठीक है। वो क्लिक करने के बाद यहाँ से कम बस कर करके मतलब तीनों कलर्स दिख रहे हैं इसको माइनस प्लस करके अपने फेस को मैच कर लेना, ठीक है। तो जान सकते मतलब समझ सकते तो इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। तो मेरा फेस फिलहाल तो मैच है, तो मैं क्या मैच करूँ, क्या ही मैच करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद यहाँ पे एडजस्टिंग का टाइम कंप्लीट है, तो फिर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब क्या करना है, आप में हैंड वाले PNG को जैसे जानते हो मैं यहाँ पर हैंड आया हुआ, ठीक है। तो हैंड वाले PNG को यहाँ पर ऐड करने के मैं PNG बनाकर रखा हूँ, या फिर अपने आप से भी कटआउट कर लेना। मैं इसका रियल जो फोटो है वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो वो जितने भी PNG है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। PNG को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे सर्च करना हनी सिंह फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं अभी अपलोड किया था तो ऊपर ही नीचे ही होगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले इफेक्ट पे जाना है, इंसर्ट पिक्चर्स बनाना है और हैंड वाला PNG को ऐड कर लेना। यह भी मेरे प्रॉपर तरीके से सेट है, अगर सेट तुम्हारे में नहीं है तो सेट कर सकते हो, मेरा तो फिलहाल सेट है। तो मैं तो राइट कर देता हूँ। राइट करने के बाद फिर से राइट, इसको इतना काम ख़त्म हो जाएगा। अब इसको को डाल देना है, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में जाना होगा, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ से गैलरी में भी सेव कर सकते हो, यहाँ ना ये तो यहाँ पर ऐड टू लाइटरूम कर देना। ऐड टू लाइटरूम करने के बाद ये चला जाएगा लाइटरूम एप्लीकेशन में। अब आपको मैं दूंगा एक प्रीसेट, उस प्रीसेट को कॉपी करके अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद तुम्हारा फोटो कलर ग्रेडिंग हो जाएगा एक ही क्लिक में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं जब फोटो एडिट किया तब मैं इस एप्लीकेशन में नहीं किया था, ठीक है। मैं आपको इस एप्लीकेशन में इसलिए बताया हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं करता हूँ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है होता है उसमें
एड मतलब ऐड करना, वहाँ पे एडिटिंग करना, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है और मैं पीएनजी वनजी वही बनाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं एडिट करता हूँ। तो आप अगर चाहते हो कि ऑटोडेस्क एप्लीकेशन का पूरा फुल ट्यूटोरियल मैं फोटो एडिटिंग जैसे करता हूँ ऑटोडेस्क में वैसे करके बताऊँ आपको, तो कमेंट करना, मैं आपके लिए उसका भी वीडियो ला दूंगा, जो वीडियो काफ़ी लंबा होगा वैसे मैं बताऊँगा तो, ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई हुई, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।